सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। वेलकम टू बालाजी स्टडी अड्डा। नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम सिंपल इंटरेस्ट अलग अलग टाइप वाइज क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो पिछले पार्ट 5 तक जो हम बात कर चुके हैं। अगर पिछला पार्ट आपने नहीं देखा, साइड में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे पार्ट 6 के अंतर्गत टाइप 7 जो है उसको देखेंगे। तो टाइप 7 हमारा है कि जब धन अपने का एन गुना हो जाए। ये जो है हमारा टाइप हो गया। सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा कि कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये जो है हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यही हमारे टाइप के अंतर्गत आ रहा है, जब धन जो है अपने का एन गुना, यानी कि क्वेश्चन में जैसे दुगना दे रखा है तो एन गुना हो जाए। इसके लिए हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, आपको बस वही याद रखना है, आर बराबर एन माइनस वन गुड़े 100 बटे टी। हिंदी में भी इसको लिख देते हैं हम, दर बराबर आर मतलब दर, दर बराबर एन जो है ये गुना को दर्शाता है, यानी कि गुना माइनस वन गुड़े 100 बटे समय, टी जो है हमारा समय हो जाएगा। अब वैल्यू जो हमें दे रखी है वही हम इसमें रख देते हैं। ब्याज की दर निकालनी, यानी दर की जगह दर ही रखे रहने दें, कुछ रखना नहीं है। गुना जो है कितना हो जा रहा है, कह रहा है क्वेश्चन में दो गुना हो जाए, यानी कि 2 माइनस 1 गुड़े 100 बटे समय जो है कितना है 15 वर्ष, यानी कि 15 दो में से एक गया एक बचेगा, यानी एक को 100 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा बटे 15। इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 सही 2 बटे 3, 6 3 18 19 20 बटे 3। इसको हम और सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा ये उत्तर जो है वो प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 6 सही 2 बटे 3 प्रतिशत जो है हमारा उत्तर आपको प्राप्त हो गया। चलिए एक और इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपको जो है ये कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाए। अगला हमारा क्वेश्चन है इसी पर बेस्ड, यानी कि टाइप नंबर 7 पर बेस्ड नोट क्वेश्चन कर लेते हैं हमारा, कि एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। सेम हमने जो फॉर्मूला बताया था वही लगेगा, बस थोड़ा सा जो अंतर है वो हमारे फॉर्मूले में आ जाएगा। हम देखिए हमारा फॉर्मूला हमने क्या बताया था, दर बराबर होता है गुना माइनस 1 इंटू 100 अपॉन समय। क्वेश्चन में हमें पूछा है कितने वर्षों में, यानी कि हमें समय निकालना है, यानी हम समय को यहाँ रख दें और दर को यहाँ रख दें, तो हमारा यही फॉर्मूला बन जाएगा, समय बराबर गुना माइनस 1 इंटू 100 बटे दर नीचे आ जाएगा, यानी दर गुना जो है हमें क्वेश्चन में दे रखा है 4 गुना, यानी कि 4 माइनस 1 गुणे 100 और बटे दर जो है 10% दे रखी है बटे 10, 4 में से एक जाएगा तो हमारे पास बचेगा 3 गुणे 100 बटे 10। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 3 को 10 से करेंगे तो 30 जो है हमें हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। और ये समय पूछ रहा था कितने वर्ष, यानी कि 30 वर्ष जो है हमारा उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस आधार पर इस फॉर्मूला का यूज करके आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे टाइप 7 के क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं हम अगले टाइप की, यानी कि टाइप नंबर 8 की, जो कि हमारा लास्ट टाइप होगा। और इससे पहले के सभी टाइप में हमने सभी टाइप के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सभी कवर कर दिए। तो चलिए देखते हैं अगला और लास्ट टाइप नंबर 8। और अगला और लास्ट हमारा टाइप है टाइप नंबर 8। इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि T1
वर्ष में N1 गुना या T2 वर्ष में N2 गुना, ये जो है हमारा टाइप नंबर 8 में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन इस पर कैसे बनते हैं कि कोई धन जो है T1 वर्ष में अपने का N1 गुना हो जाता है या T2 वर्ष में अपने का N2 गुना हो जाता है, तो हमारा जो है वो फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला आपको बता देते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है कि जब कोई धन T1 वर्ष में यानी कि T1 वर्ष में जो है वो अपने का N1 गुना हो जाता है, यानी कि बराबर N1 माइनस 1, और इसी प्रकार T2 वर्ष में अपने का N2 गुना हो जाता है, यानी बटे T2, और बराबर जो हमारा सेंटर में ही रहेगा बटे N2 माइनस 1, ये जो है हमारा जो इक्वल है इन दोनों के बराबर में रहेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है जब इस टाइप की जो सिचुएशन है वो दे रखी होती है। एक चीज़ का और विशेष ध्यान रखिएगा, तब आपका क्या फॉर्मूला हो जाता है कि जब R1 साधारण ब्याज पर N1 गुना, यानी कि हमारा तो फॉर्मूला बन जाएगा R1 अपॉन R2 बराबर N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1, ये जो है हमारा फॉर्मूला बन जाता है जब हमें क्वेश्चन में जो है R1 और R2 जो है वो दे रखा होता है। साधारण ब्याज पर लिखा होगा क्वेश्चन में कि जब R1 साधारण ब्याज पर की दर N1 गुना और R2 ब्याज पर N2 गुना हो जाती है, तो हम क्या करते हैं इस पर बेस्ड जो है क्वेश्चन आपको बता देते हैं और इस पर बेस्ड जो है आपको क्वेश्चन करने को देते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी, ये जो है आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है तो वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ज़रूर से ज़रूर इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यही पर बेस्ड यानी कि इसी पर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है। यानी कि पहला क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि 20 वर्ष में समय जो है हमें T1 दे रखा है कि दुगनी हो जाती है यानी कि N1, और वह कितने वर्षों में यानी कि T2 निकालना है हमें अपने की 4 गुनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर N2 रख देंगे। तो हमें फॉर्मूले में ही सिंपल सा रख देना है, पहले T1 जो है हमारा 20 हो जाएगा बटे T2 जो है हमें निकालना है, बराबर पहला गुना हमें जो है वो 2 दे रखा है माइनस 1, और बटे 4 माइनस 1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2 में से 1 गया, इसको हम आगे लिख देते हैं, 20 बटे T2 बराबर 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 4 में 1 गया तो 3 बचेगा, और 20 को 3 से गुणा कर देंगे तो 60 आ जाएगा, यानी कि T2 जो है हमारा 60 वर्ष आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम इस प्रकार कर सकते हैं। अब हम जो है आपको इस फॉर्मूले पर बेस्ड R1 अपॉन R2 बराबर N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1 इस पर क्वेश्चन देते हैं, सेम इसी टाइप से होगा, बस आपको जो है वो करके कमेंट सेक्शन में टाइप करके आंसर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं कि कोई धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में किस वार्षिक ब्याज की दर से 41 गुना हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, कोई धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में किस वार्षिक ब्याज की दर से 41 गुना हो जाएगी, ये जो है क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मूला पर बेस्ड है। कुछ नहीं करना है आपको, केवल वैल्यू जो है वो पुट करनी है अपने आप से, जो आप करेंगे तो जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो और अच्छी हो सकेगी। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है, वहीं पर जो है मैं इसका उत्तर जो है वो आपको दे दूंगा। तो इसी टाइप 8 के साथ जो हमारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में आ सकते हैं, हमने सभी जो है वो कवर कर दिए पिछले जो है वो 5 पार्ट और इस पार्ट को मिलाकर। तो आई होप हमारा प्रयास आपको पसंद आया हो। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन करें, जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।